What's up guys, it's your boy Kratos and welcome back to a brand new title Pokemon Violet. So यहाँ पे आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले पोकेमोन की गेम की एंड ये पोकेमोन की गेम अभी जल्दी ही कुछ हाल फिलहाल में यहाँ पे रिलीज हुई थी तो मैंने सोचा कि इस वाली गेम के साथ यहाँ पे स्टार्ट करें। पोकेमोन वॉयलेट के साथ एक स्कारलेट भी है तो उसकी भी एपिसोड्स को यहाँ पे अपने चैनल पे कवर करने वाले हैं। सो अगर आप उसके एपिसोड्स भी देखने जाते तो उसके लिए यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना। तो चलो यहाँ पे अपना जो कैरेक्टर है उसको पिक करना स्टार्ट करते हैं। सो मेरे ख्याल से ये पहला कैरेक्टर ही हम यहाँ पे पिक कर लेते हैं एंड यहाँ पे अपना नाम डालने को कह रहे हैं तो यहाँ पे एक काम करते हैं, अपना यहाँ पे एक नाम डाल देते हैं, एक यूज़र नेम। मेरे ख्याल से इस गेम में यहाँ पे एक यूज़र नेम की जरूरत पड़ेगी तो मेरे ख्याल से और कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं। लैंग्वेज इंग्लिश, नेम क्रिएटर्स, ओके। तो ये हेयर स्टाइल को तो चलो कोई और चेंज करने की जरूरत है नहीं। सो चलो स्टार्ट करते हैं, रेडी करा जाए इसको। एंड मैं बता दूं भाई, अगर आप लोगों को स्कारलेट और वॉयलेट के अलावा यहाँ पे और भी जो पोकेमोन सी गेम अभी तक रिलीज हुई है अगर आपको उनमें से भी किसी के एपिसोड्स को कवर करवाना है चैनल पे तो उसके लिए आप यहाँ पे चैनल को कमेंट्स में जाके कमेंट्स कर देना। मैं आप सभी लोग यहाँ पे कमेंट्स रीड करता हूँ, ज़्यादा कमेंट्स आते नहीं है बट हाँ जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं आप सभी लोग यहाँ पे रीड करता हूँ। तो कोई अगर डाउट्स हो आप लोगों के तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। UVA Academy, ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ मैं इसको अभी 4X पे खेल रहा हूँ तो जितने मतलब हाईएस्ट क्वालिटी पे हम इस गेम को खेल सकते हैं तो अभी हम उस पे यहाँ पे खेल रहे हैं। लीडिंग द वे इन टू द फ्यूचर बाई वैल्यूइंग आर इंडिविजुअलिटी। मेरे को ये नहीं पता कि इसमें यहाँ पे हमें ऐसा कमेंट्री देखने को मिलेगी या फिर नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि मेरे को अगर होता तो ये जो चीज़ें डायलॉग्स नीचे लिखे आ रहे हैं तो ये भी शायद से यहाँ पे रीड होते। सो यहाँ पे सारे के सारे जो डायलॉग्स हैं वो हमें यहाँ पे रीड करने हैं। एंड डायरेक्टर क्लेवल, हेड ऑफ UVA एकेडमी, ठीक है। तो ये वो रीजन है प्लेडिया जहाँ पे हमें पोकेमोन को कैप्चर करना है, फिर उसके अलावा यहाँ पे जो फाइट्स होगी। इट इज ऑल्सो ऑफ कोर्स होम टू द मिस्टीरियस क्रिएचर नोन टू अस एज पोकेमोन टू रिसाइड हेयर इन ग्रेट नंबर इन फैक्ट। एंड मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ पे चूज करने को मिला जाएगा कि हम यहाँ पे कौन से पोकेमोन को यहाँ पे लेंगे। वैसे मैंने पता नहीं कि इसकी कोई सीरीज आई थी वॉयलेट और स्कारलेट की तो मेरे को उसका आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से पोकेमोन यहाँ पे देखा नहीं है तो जितने भी उसके रिसेंट एपिसोड आए हैं तो वो मैंने उन लोगों को उतना देखा नहीं है। तो यहाँ पे एक बेसिक ओवरव्यू बताया जा रहा है UVA एकेडमी का कि वो किस तरीके से यहाँ पे हेल्प करती है। ये एक तरीके से यहाँ पे जैसे प्रोफेसर ओक थे तो इस वाले सीजन में, या सीजन ही कहूँगा मैं ऐसे ही जो पोकेमोन वॉयलेट का है, तो इस वाले में यहाँ पे थोड़े से कुछ ऐसे दिखने वाले हैं। यहाँ पे टॉरस है एंड ये मटकेप है, फैम राइट। ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मैं आप लोगों को बताऊँ एमुलेटर के हिसाब से। बीच भी आप लोग देख रहे हो यहाँ पे स्केलिंग जो है 4X भी जा रही है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट मेरे को जो स्केलिंग है वो 4X पे नहीं देखने को मिल रही है, स्विच होते हुए मेरे को यहाँ क्लियर विजिबल हो रहे हैं। अगर ऐसे ही होता रहा तो मैं स्केलिंग को यहाँ पे जो है उसको 2X या 3X पे ही कर दूंगा। 4X की ऐसा यहाँ पे कोई नीड नहीं होने वाली, क्योंकि अगर हमें कॉन्स्टेंट देखने को नहीं मिलेगा तो। एंड देयर वी गो, पोकेमोन वॉयलेट। मुझे नहीं पता आप लोगों को यहाँ पे फील हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है एपिसोड को देखते वक्त, बट मेरे को ऐसा लग रहा है बीच में अपने जो फ्रेम्स है वो थोड़े से ड्रॉप हो रहे हैं, हल्की फुल्की मेरे को ना बीच में लैगी लग रहा है। या तो फिर ये कट सीन को यहाँ पे स्केल अप करके सही से नहीं दिखा पा रहे हैं ये, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। सो एक बार यहाँ पे जो कट सीन का यहाँ पे एक बार देखते हैं कि यहाँ पे जब कंट्रोल हम कर पाएंगे अपने प्लेयर को, फिर देखते हैं यहाँ पे गेम अगर तब भी थोड़ा बहुत लैगी अगर देखने को मिलता है तो मेरे को यहाँ पे स्केलिंग जो है उसको यहाँ पे रिड्यूस करनी ही पड़ेगी। ऑलराइट, सो सेव होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो ये रहे यहाँ पे हमने पिछले साल अपना नाम यहाँ पे क्रेटोस डाल दिया और पीछे यहाँ पे एक निंटेंडो भी देख सकते हो इसके रूम में रखा हुआ है। एंड किंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मैंने इतनी अच्छी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करी थी बट हाँ गेम की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। ग्राफिक्स पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करा गया और ये काफ़ी अच्छी लग रही देखने में। वेट, यहाँ पे
कुछ प्रॉब्लम है क्या मेरे ख्याल से? नहीं, मैं इससे आगे कैमरे को नहीं ले जा पा रहा हूँ। मेरे ख्याल से मैं इस कैमरे को यहाँ पे पूरा रोटेट नहीं कर सकता हूँ, मेरे को इसे एक डायरेक्शन में ही खेलना पड़ेगा। चलो, ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मुंचा, सो यहाँ पे कुछ ये पोकेमोन्स हैं, इन पोकेमोन्स के बारे में मुझे पता नहीं है ज़्यादातर। मुझे ये भी नहीं पता कि इस वाले रीजन में हमें यहाँ पे एज अ स्टार्टर जो पोकेमोन है हमें कौन कौन से यहाँ पे मिलने वाले हैं। बट अगर इस सीरीज़ में अच्छा खासा हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा तो मैं चल स्कारलेट जो है स्कारलेट के भी एपिसोड्स यहाँ पे अपलोड करूँगा। एंड इसके अलावा जो सोल एंड सिल्वर्स थे सो उसके भी यहाँ पे एपिसोड जो है मैं उसको चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं आप लोगों के लिए ऐसी पोकेमोन की गेम जो बाकी गेम्स हैं उनके एपिसोड्स भी लेके आता रहूँगा। गुड मॉर्निंग क्रिएटर्स। सो यहाँ पे मैं सही था, यहाँ पे मैं कोई से भी ऐसे जहाँ पे आवाज़ नहीं सुनाई देने वाली है। ऑलरेडी इन योर यूनिफॉर्म एंड एवरीथिंग। वेल, इट्स योर फर्स्ट डे एट योर न्यू स्कूल आफ्टर ऑल। आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू। स्टिल यू वॉन्ट टू बी कूल योर इंजन बिफोर यू गो रेस आउट द डोर। द स्कूल कॉन्टेक्टेड मी एंड सेड दैट यू आर सपोज टू वेट हेयर अ लिटल वाइल लॉन्गर। बट ऐसा क्यों? अपेरेंटली देर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फर्स्ट डे दैट स्टिल हैवेंट अराइव्ड। यहाँ पे कुछ चीज़ जो इसकी मदर ने मंगाई है वो अभी तक नहीं आया, तो जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ रहा है। बट यहाँ पे डोर पे कोई तो आया है, वैसे इसके घर का डोर का। यहाँ पे मैं पहले मेरे को लग रहा था ना मैं पूरा यहाँ पे कैमरा एंगल को यहाँ पे जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ, बट नहीं, यहाँ पे हम एक एंगल में ही कर सकते हैं। ठीक है, दिस रूम इज यूज फॉर स्टोरेज, यू डोंट नीड टू गो इन। मेरे को लगा था ये मेन डोर है यहाँ का, बट मेन डोर कहाँ है फिर इसका? ओके, तो मेन डोर सामने था। ये कौन है, ये इसके क्या प्रोफेसर है? हाँ, ये मास्टर, यू आर मास्टर क्रेटोस। वेट, मास्टर क्रेटोस, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर माई डिले आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। हाँ, ये वो प्रोफेसर, ये से प्रोफेसर ओक थे, तो यहाँ पे ये प्रोफेसर कैवेल हैं यूवी एकेडमी, जिसको हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था। टू हेल्प माई सन विद द फर्स्ट डे, वेल आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर अकेडमी इंक्लूडिंग एनी फेलियर ऑन इट्स पार्ट। सो हेयर एट लास्ट आर द एनरोलमेंट डॉक्यूमेंट दैट शुड हैव ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड टू यू। Goodness, you really need not have. Since you have came all this way, can I at least offer you a cup of tea? Okay. चलो मैं थोड़ा इसकी बातें, यहाँ पे हल्की फुल्की बातें चल रही है। सो ये उतने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है डिस्कशन। एंड अगर मैं यहाँ पे सारे के सारे सब टाइटल रीड करूँ तो जो एपिसोड्स है वो काफ़ी तरह लंबे हो जाएंगे एंड उसमें ज़्यादा कंटेंट हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। सो अभी क्या करना है मिखाल से? मेरे को प्रोफेसर के पास ही जाना है। यस प्रोफेसर, कुछ करना है क्या? इज अ रूम अपस्टेयर, नो नीड टू कंसर्न योर सेल्फ विद मी, गो गो ऑन। तो हमें अपने रूम में जाना है, हमें इधर कुछ ऐसा यहाँ पे नहीं करना है। एंड बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एकदम रिलैक्सिंग है बैकग्राउंड स्कोर। एंड रुको, यहाँ पे बैकपैक में कुछ हो रहा है, मतलब मैं बैकपैक अपना लेके आना है। रेडी टू पुट ऑन द हैट एंड ग्रैब योर बैग। यस, तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे कोई भी मैप नहीं है, कंपास नहीं है, हमारे पास यहाँ पे हिंट नहीं मिल रही है हमें कि अगला हमें करना क्या है। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे खुद ही फाइंड करना है। एंड यहाँ पे एक्स बटन टू ओपन द मेन मेन्यू, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो वही है, कुछ यहाँ पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एंड आई गेस अब हम यहाँ से जा सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरी को समझना हो तो आप लोग यहाँ पे सबटाइटल्स को रीड करते रहना। मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं उनको रीड कर दूंगा, बट यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जिसको इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, अगर मैं उसे रीड नहीं भी करता तो भी आप लोगों यहाँ पे जो स्टोरी है वो समझ आ जाएगी। एंड मेरे ख्याल जितने लोग यहाँ एपिसोड देख रहे होंगे उनमें से सबको यहाँ पे पोकेमोन के बारे में पता ही होगा। एंड जो चीज़ यहाँ पे प्रोफेसर ओक और एस के साथ हुई सेम वैसी हमारे साथ होने वाली यहाँ पे, कि हमारे पास जो हमारा स्टार्टर पोकेमोन होगा हमारे पास नहीं मिलेगा, हमें कोई यहाँ पे अलग से पोकेमोन मिलेगा। या तो हो सकता है हमें जैसे पिकाचू मिला था तो वैसे ही इस यहाँ के रीजन का भी कोई एक ऐसे ही पोकेमोन देखने को मिले, या तो हमें स्टार्टर पोकेमोन में से कुछ यहाँ पे सेलेक्ट करने होंगे। क्योंकि वैसे हमने जितनी गेम्स और खेली है सो उसमें हमें स्टार्टर पोकेमोन में से ही चूज़ करना होता है, हमें पिकाचू नहीं मिलता है जो इसका होइन रीजन का भी था। एंड मेरे ख्याल से ये आ गए स्टार्टर पोकेमोन। तो एक वाटर, एक ग्रास और एक फायर। सो इन तीन में से हम यहाँ पे कोई सा भी एक स्टार्टर पोकेमोन ले सकते हैं। एंड ठीक है, आई विल आस्क यू टू चूज विच अलॉन्ग द थ्री यू वुड लाइक टू हैव योर पार्टनर। द ग्रास टाइप पोकेमोन, मैं वैसे इनका ना जो इनका इवॉल्व वर्जन है मैं एक बार उनको देख पाता ना तो मेरे लिए थोड़ा सही रहता कि आगे जाके कौन सा पावरफुल होने वाला है। क्योंकि
होइन रीजन में 40,000 जो था काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। मेरे को एक क्रॉक पोकेमोन, एक क्रोकोडाइल का ही शायद से कोई वर्जन है। एंड ये रहा एक वाटर टाइप पोकेमोन डकलिंग पोकेमोन। तो अब हम इनमें से किसी एक को चूज करेंगे। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे भी जो फायर टाइप पोकेमोन है मैं उसको ही यहाँ पे चूज करूँ। वैसे मुझे नहीं पता इनका जो इवॉल्व वर्जन है वो यहाँ पे कैसे होने वाले हैं, या तो इस गेम में हमें इवॉल्व वर्जन देखने को भी मिलेंगे या फिर नहीं। एंड जब अपना डिसीजन बना ले तो सामने इसका प्रोफेसर ऑक का घर है, तो हम वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है। काफ़ी इजी टास्क है, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट टास्क है इनमें से हमें कौन से यहाँ पे लेना है। बट बिफोर यू गो आई गॉट अ लिटिल समथिंग टू सेलिब्रेट योर बिग डे। वेट, कुछ तो दिया बट क्या दिया वो दिखा नहीं। ऑब्टेन अ रोटन फोन, अच्छा एक फोन दिया हमें। अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन यू कैन चेक द मैप बाय प्रेसिंग द वाई बटन। ठीक है, हैव फन। तो यहाँ पे हमें जो ये फोन दिया, इस फोन के थ्रू हमारे पास एक मैप भी आ चुका है, तो हम मैप को भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड अब हमें इनमें से किसी एक पोकेमोन को लेना है। हेड टू द हाउस डाउन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वाई खोल के देखो मैप पे भी जा सकता हूँ कि हमें किधर की साइड जाना है। एंड तो ठीक है, ये सारी चीज़ें तो मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे तब हम इसको इंपॉर्टेंट होगा ये, बट अभी फिलहाल ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड यहाँ से हमें एक मटके, वो इसका नाम मटके भी था ना शायद से, मैं एक्जैक्टली श्योर नहीं, जो गैंगर टॉस में इवॉल्व होता है। एंड सेट अ डेस्टिनेशन, नेवर माइंड, अभी मेरे को इधर की साइड नहीं जाना है। मेरे को अभी जो सामने, या फिर रुको, कहीं ऐसा ही तो नहीं कि मेरे को इनमें से किसी एक पोकेमोन को ही यहाँ पे जो है पकड़ के लाना हो। क्या ये रन नहीं करेगा क्या? ऐसे तो मेरे को काफ़ी टाइम लग जाएगा चलने में। एंड मेरे ख्याल से मैं डायरेक्ट नीचे जा भी नहीं सकता हूँ। मैं एक काम करते, सामने जो प्रोफेसर ओक का घर था हम सीधा उधर की साइड ही चलते हैं। एंड यहाँ पे अगर रन कर पाता तो थोड़ा सा बढ़िया रहता, बट मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ बट यहाँ पे ना रन नहीं हो पा रहा है। तो ये मेरे ख्याल से मेरे को वहीं जाना है प्रोफेसर ओक के पास, जो ये लोग हैं यहाँ पे ये हमें कॉन्ग्रेचुलेट करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे आप, यहाँ पे रनिंग अब यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। वही मैं सोच रहा था बिना रनिंग के यहाँ पे काम नहीं चलेगा। एंड यहाँ पे बीच बीच में जो गेम है हल्की सी यहाँ पे चॉपी हो रही है, ज़्यादा नहीं, हल्के यहाँ पे हमें चॉपी होती हुई देखने को मिल रही है। गेम जो है ये 30 FPS ही मैक्स सपोर्ट करती है, एंड अभी ये 24 या 20 FPS के अराउंड गेम चल रही है। सो मेरे को यहाँ पे जो अपस्केलिंग है उसको थोड़ा सा यहाँ पे रिड्यूस करना पड़ेगा। तो चलो मैं अगले एपिसोड में उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लूँगा, ताकि हमें पे FPS में हल्का सा बूस्ट देखने को मिले। तो यहाँ पे एक और ट्रेनर रही है। आर यू दिस ट्रेनर, ठीक है। एंड मेरे ख्याल से जैसे गैरी हमारा एक तरीके से ओपोनेंट था, तो ये भी शायद एक तरीके से हमारे ओपोनेंट होने वाली है इस वाले रीजन में। ओके, तो अब हमें यहाँ पे चूज करना है कि कौन सा हमें पोकेमोन लेना है। तो यहाँ पे ज़्यादा डिसाइड करने में टाइम लगेगा नहीं, हम यहाँ पे फायर टाइप पोकेमोन के साथ ही जाएंगे, क्योंकि देखो वाटर टाइप एंड ग्रास टाइप पोकेमोन हमें काफ़ी सारे इस रीजन में मिलने वाले हैं। बट यहाँ पे जो फायर टाइप पोकेमोन होते हैं इनको ढूंढना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल रहता है, ये माउंटेन एरिया में ज़्यादा मिलते हैं, और माउंटेन एरिया में आप लोगों को पता ही है वहाँ पे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आई मस्ट से आई वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू सी यू हियर क्वाइट सून। चलो हमारा टाइम नहीं है, जो सब पोकेमोन यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो वो सब सेलेक्ट कर लेते हैं। Yes, it's our academy new student, Master Kratos. He will be attending as of today. And मैं सही था। Normally I live in the school town, but here is the house. So ये यहाँ पे एक तरीके से हमारे opponent होने वाली है Gary की तरह। And guys, जितने लोग यहाँ पे ये subtitles जो आ रहे हैं इनका पढ़ना है, तो आप लोग यहाँ पे वीडियो देख के पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे जल्दी स्किप नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप लोग यहाँ पे रीड कर सको। एंड एक बार मैं भी यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, ताकि जो स्टोरी है वो मेरे को पता लगती रहे। एंड कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आती है इसके बीच में तो उसका अपडेट तो मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर ही दूंगा।
एंड यस मेरे ख्याल से अब हमें पोकेमोन यहाँ पे सेलेक्ट करना है एंड तो ओके तो ये भी काफ़ी अच्छा था। तो अच्छा मैंने यहाँ पे गलत वाले पोकेमोन की तरफ नहीं गया। सो यहाँ पे क्रॉ हमने यहाँ पे पोकेमोन लिया है, काफ़ी अजीब सा नाम है इसका। क्या मैं इसका नाम डेट फ्यू को ऑफ वेट फ्यू फ्यू कोको क्या अजीब सा नाम है, पर चलो कोई नहीं, धीरे धीरे करके हम इसका नाम भी यहाँ पे याद रख लेंगे फ्यू कोको। एंड नहीं निकनेम तो यहाँ पे हम कोई प्रोवाइड नहीं करने वाले, पहले ही इसका नाम इतना अजीब सा है। निकनेम से भी कोई ऐसा फ़ायदा तो होगा नहीं क्योंकि एलेक्सा तो है नहीं कि हम बोले और वो सीधा पोकेमोन यहाँ पे सेलेक्ट हो जाए। प्लीज रेज इट एंड लव विथ केयर। ओके ठीक है इसने वैसे कौन सा ले रखा है पोकेमोन, सच अ गुड कॉम्बो। कैन आई चूज वन ऑफ दिस पोकेमोन टू डायरेक्टर क्लेविल। ओके तो यहाँ पे अब जो ये है ये भी यहाँ पे एक पोकेमोन यहाँ पे करने वाली है, इसका नाम क्या है मिस नेमोना नेमोना ठीक है नेमोना नाम थोड़ा ठीक रहेगा। हाँ नेमोना ही है इसका नाम, मैं यहाँ पे थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रहा था पहले। तो यहाँ पे एक पोकेमोन यहाँ पे नेमोना को भी लेने दिया है ताकि साथ में हमारी हेल्प कर सके पोकेमोन को हमें किस तरीके से यहाँ पे रेस करना है। एंड इसने यहाँ पे लिया है एक ग्रास टाइप पोकेमोन को, तो मतलब वाटर टाइप पोकेमोन रह गया। सो ये कह रही कि ये हमारे लिए वेट करेगी डाउन द बीच, तो चलो वहाँ चलते हैं। एंड मेरे ख्याल से वहाँ पे एक हल्की फुल्की बैटल होने वाली है। यस यहाँ पे प्रोफेसर भी कह रहे हैं कि शायद से एक बैटल हो ताकि हम पोकेमोन के साथ पे फेमिलियर हो जाएं। ठीक है तो बैटल नेमोना एंड यहाँ पे एक सामने मेरे को पोकी बॉल दिख रही है, तो इस पोकी बॉल को भी यहाँ पे ग्रैब कर लेते हैं। अब यहाँ पे मिनी मैप भी जो है साइड में आ चुका है, पहले मिनी मैप यहाँ पे नहीं था। एंड ये रहा एक बैटल एरिया, तो यहाँ पे हमें बैटल ही करना है। यस चलो बैटल स्टार्ट करा जाए फिर। Anyone can be a Pokemon trainer as long as they have Pokemon by their side, and it's our duty as trainer to help our Pokemon grow stronger through battle. So are you ready? चलो मेरे को भी पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो हमारा Pokemon है वो किस किस तरीके के यहाँ पे जो attacks हैं उनको यहाँ पे perform करता है। And professor भी यहाँ पे आ चुके हैं। Experience in Pokemon battle. कोई नहीं अभी हम inexperienced हैं, बट जल्दी ही हम experienced हो जाएंगे। एंड यहाँ पे हमारी स्टार्ट होती है पहली पोकेमोन बैटल इस रीजन की, पोकेमोन वॉयलेट। वैसे फायर पोकेमोन तो यहाँ पे ग्रास पोकेमोन के मुकाबले थोड़ा पावरफुल होना चाहिए। ठीक है तो बैटल पे जाना है। अभी यहाँ पे तीन अटैक है, टैकल लियर और एम्बर। सो ये जो अटैक्स हैं ये सारे के सारे एक तरीके से देखा जाए तो चार्मेंडर जैसे ही अटैक्स हैं, क्योंकि चार्मेंडर भी यही अटैक्स को यहाँ पे परफॉर्म करता था। तो एक काम करते हैं डायरेक्टली एम्बर पे चलते हैं। यस तो काफ़ी एक क्रिटिकल अटैक क्योंकि वो ग्रास टाइप पोकेमोन है, तो उसमें यहाँ पे फायर का जो अटैक है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। हाँ फायर इज स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट ग्रास। सो ये नेमोना को भी पता लग चुका है यहाँ पे, तो ये देखो जीतने के हमारे ज़्यादा चांसेस हैं। सो यहाँ पे एक और एम्बर, यहाँ पे यूज लीफलेज, तो यार बैटर तो काफ़ी जीत जाएंगे। एक और एम्बर और यहाँ पे जो है स्प्रिगेटियो यहाँ पे डिफीट हो जाएगी। एंड यहाँ पे जो हमारा फीकोको है लेवल 6 का हो चुका है। सो बैटल करके हमें अपने पोकेमोन को काफ़ी ज़्यादा लेवल का अपग्रेड करना है। एंड इसी के हमें पे 300 कुछ कॉइन्स भी मिले, मेरे को नहीं पता करेंसी कौन सी है, मैं करेंसी चेक करूँगा करेंसी कौन सी है ताकि मेरे को बोलना थोड़ा सा आसान रहे, अदरवाइज मैं इसको एक फिक्शनल करेंसी का ही यहाँ पे एक नाम प्रोवाइड कर दूंगा।
एंड लेट्स बैटल अगेन सून। यहाँ पे अगर थोड़ा सा वॉइस ओवर्स भी होते इन सब टाइटल्स के ऊपर ना, तब तो इस गेम में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आना था। एंड अभी वैसे अगर कोई और पोकेमोन सी रिसेंट में कोई और गेम यहाँ पे लॉन्च होगी तो मैं उम्मीद रखूँगा उसमें यहाँ पे सब टाइटल्स के कम से कम हमें यहाँ पे वॉइस ओवर्स देखने को मिल जाए। द पोकेमोन ऐप वॉज एडेड टू योर रोटन फॉर्म। अच्छा तो यहाँ पे एक पोके डेक्स डाल दिया गया जिससे हम यहाँ पे सारे के सारे पोकेमोन्स के ऊपर जितने भी पोकेमोन्स के बारे में नहीं पता तो हम उसको स्कैन करेंगे तो उस पोकेमोन की सारी डिटेल्स हमें प्रोवाइड कर दी जाएगी कि पोकेमोन कौन से टाइप का है एंड उसका क्या लेवल है, नाम क्या है एंड मेरे शायद इवॉल्व वर्जन भी शायद हमें पता लग जाए उससे। मैं बार चेक करूँगा अभी एक बार प्रोफेसर को यहाँ पे जान दो क्लेवल को एंड नमोना के साथ। अभी मेरे ख्याल से और कुछ तो यहाँ पे एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, एनकाउंटर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है एंड इसके साथ हमारी जो स्टोरी लाइन है मेन स्टोरी है हम उसको यहाँ पे प्रोग्रेस करते हुए आगे मूव कर सकते हैं। सो नहीं अभी हम यहाँ से मूव नहीं कर सकते हैं, अभी हमें यहाँ से अकेडमी में जाना है पहले। ऑल लेट लिटल वन इट्स टाइम यू एंड आई वर ऑन आवर वे। सो यहाँ पे एकेडमी जाने से पहले यहाँ पे नमूना में बता रही है कि हम यहाँ पे वाइल्ड पोकेमोन से हमको कैसे यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं, बट ये हमारा पोकेडेक्स है जिसके लिए हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं पोकेडेक्स। ओके फॉलो, बट ये है कहाँ? ओके ठीक है ये ऊपर की साइड है एकेडमी में। एंड आई वाज राइट, यहाँ पे जो FPS है हम यहाँ पे बीच में कहीं ना ड्रॉप होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो चलो गाइस सॉरी फॉर डैट, मैं FPS को यहाँ पे थोड़े से ड्रॉप हो रहे हैं, मैं उसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं ऐसा ट्राई करूँगा अगले एपिसोड में यहाँ पे मैं कॉन्स्टेंट थोड़े 30 FPS हमें देखने को मिले क्योंकि अभी तो फिलहाल यहाँ पे FPS ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है ड्यू टू अपस्केलिंग, तो अपस्केलिंग को मैं थोड़ा कम कर दूंगा। Staying in the school room, so I want you to promise me you will eat a proper meal. Okay, ठीक है। You obtain the sandwich from mom. वैसे बैग को एक्सेस कैसे कर सकता हूँ? मैं टेस्ट कर लेता हूँ बैग को कैसे ओपन कर सकता हूँ, पोकेडेक्स को कैसे ओपन कर सकता हूँ। एंड हमें अभी कुछ पोशन से मिले हैं ताकि अगर यहाँ पे जो हमारा पोकेमोन है हर्ट होता है तो हम इसकी हेल्प से उसको यहाँ पे रिकवर करवा सकते हैं। रिकवर मतलब हेल्प करवा सकते हैं उसकी। All right, you two have to be off, I suppose. Take care. And जितनी बार ये एक्सक्लेमेशन साइन आएगा ना इसका मतलब वो कुछ तो यहाँ पे बोलना चाहते हैं, तो मैं इसकी ध्यान रखूँगा। पहले भी पोकेमोन कुछ तो यहाँ पे डिस्कशन करना चाहते थे एंड वेट कुछ और चीज़ों को मेरे को भी करना तो नहीं है ना। ठीक है तो चलिए गाइस इस वाले एपिसोड को यहीं पर रैप अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों का एपिसोड से मजा रहा होगा। अगर आप लोगों का एपिसोड अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना ताकि अगली बार जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। एंड अगर आप इसके अलावा भी कोई और पोकेमोन की गेम है उसके एपिसोड चैनल पर देखना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे कमेंट में कमेंट कर देना, तो मैं आप लोगों के कमेंट्स को रीड करते हुए उसको यहाँ पे प्रोग्रेस करूँगा एंड उसके यहाँ पे चैनल्स पर भी एपिसोड्स आएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से एक अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड Have a good day.